अभी है नॉन होमोजीनियस, मतलब इस किस्म की चीजें आ जाएं, जहाँ 3 पावर n आ गया, ठीक है ना। तो जैसे आपने डिफरेंशियल क्वेश्चन में किया होगा कि y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 6y इक्वल टू 0, तो वो होते हैं, यानी जैसे कहते हैं होमोजीनियस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन। एक नॉन होमोजीनियस जिसके अंदर आ जाता है x² + 2x या 5x + 7, इस तरीके से आ जाएंगे, तो वो फिर नॉन होमोजीनियस। तो उसमें वही कंसेप्ट यहाँ पर है कि जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो बात यह कि फिलहाल हम इसको ऐसे करते हैं कि जो इसका पार्ट है उसका, जैसे कहा जैसे यहाँ मैंने बताया था ना आपको, पहले जनरल जनरल पार्ट जो है इसका, फिर पर्टिकुलर आ जाएगा, फिर दोनों को कंबाइन करना पड़ता है। बस ये 3 स्टेप हैं जो आपको लेने पड़ते हैं। तो इसमें यही है कि वही जो तरीकाकार जो पहले था जनरल सोल्यूशन के लिए, कि लेट्स पुट an = α/n, तो इसको जब सॉल्व करेंगे इस हिस्से को, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, फिर मैं सॉल्व इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं, मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा सोल्यूशन, यानी कर कर आके यू विल एंड अप लाइक दिस वन। तो ये आ गया, ये आ गया इसका α = 2। तो यहां था जैसे कहा जाए कि α = 2, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करे, 2 पावर n आ गया, तो ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया। अब आ जाए पर्टिकुलर पे, ठीक है। नाउ द पर्टिकुलर सोल्यूशन कैन बी फाउंड एज फॉलोइंग, ठीक है ना। यानी उसमें यही यही करना पड़ता है कि an पर्टिकुलर सोल्यूशन इक्वल टू, ये b है और 3n, np =, यहाँ 3n था ना, हमें नहीं पता कि, यानी हमें नहीं पता चल रहा इसका कि यहाँ पर इसका कोफिशियंट क्या आएगा। आएगा इसके साथ 3n तो आएगा ही, लेकिन यहाँ नहीं पता a की कीमत क्या है, b कीमत क्या है। तो इसके लिए हमने यही किया कि लेट्स अज्यूम दैट an = an, सॉरी ये वाला an = 2, ये पर्टिकुलर पे आ गए। पहला स्टेप था जनरल सोल्यूशन, दूसरा ये है, तो n = b 3n। तो अब जहां जहां ये एन की वो लिखी गई है ओरिजिनल में, वहां हम ये पुट कर n = b 3 पावर n। तो देखिए यहां पर पुट करेंगे यह वाला n = b/3n, यहां आ गया, यहां पर 2, और जैसे कहा जाए कि 3। अब अगर α = मैंने लिखा b into 3 पावर n, तो an - 1 क्या हो जाएगा, b 3 पावर n - 1, तो यही आ गया। ये देखिए 2b 3n - 1, बाकी 3 अपनी जगह पर है, यानी ये उसकी जगह an, ये an की कीमत आ गई पर्टिकुलर सोल्यूशन में, ये उसकी आ गई। तो इसको हम, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, ऑल द वे 3n कॉमन निकल रहा है, ये भी 3 है, 3 पावर n 3, ये -1 आ जाएगा यहाँ पर, ये 3 1 आ गया। इसको आप सिंपलीफाई करें तो ये 3b - 2b - 3 = 0, b = 3, तो b की कीमत क्या आ गई, 3। तो अब ये कैसे हो गया, यानी 3n * 3, इसका मतलब 3 पावर n + 1, और ये a 2 पावर n, यानी ये देखो ना यहाँ पर जो स्टेप थे इसके अंदर, कि हमने कहा था कि भाई पहला जनरल सोल्यूशन, दूसरा पर्टिकुलर सोल्यूशन, तीसरा ये कंबाइन द जनरल सोल्यूशन एंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ ये कंबाइन हो गया, वो ये वाला, ये वाला जैसे कहा जाए, यानी ये जनरल सोल्यूशन था, ये पर्टिकुलर आ गया। अब हमें a₀ = दिया गया है, a₀ = यानी a₀ = 2 दिया गया, ठीक है। तो क्या करें यहां पर, इसको कैसे निकालें, n = 0 आ गया यहां पर, तो यहां पर an = 0, तो ये क्या आ जाएगा, a₂ पावर 0 मीन्स a, और 3 पावर n + 1 मीन्स 3। तो a₀ = 2 है,
और ए प्लस थ्री ये इधर आ गया, तो यहां से ए कीमत क्या आ जाएगी माइनस वन, ये यहां पुट कर दें, यानी ए इज इक्वल टू माइनस वन ए वाली और थ्री पावर एन प्लस, तो ये सोल्यूशन आ गया हमारे पास। अब ये आलम है मुख्तलिफ तरीकों से यही चलेगा जैसे कहा जाए। अब मुझे बताएं कि इसके अंदर कौन सा स्टेप है जो आपको समझ में नहीं आया, ताकि मैं आपको बता सकूं कि भाई ये ऐसे हुआ है या जैसे कहा जाए कि। तो फिर मैं आपको बता देता हूं, अगर कहीं मसला आता है तो हम जो टॉपिक कर रहे हैं ताकि आपको पूरा अंदाजा हो जाए कि हो क्या रहा है, कि होमोजीनियस में जो एक्चुअल फंक्शन होते हैं वो नहीं होते, यानी अल्जेब्रिक फंक्शन नहीं होगा, वो इन टर्म्स ऑफ ए नहीं आएगा। तो जैसे यानी उसके तीन स्टेप हैं इसके अंदर, पहले जनरल सॉल्यूशन, यानी जो आपका जो पार्ट है उसको हम खत्म कर देंगे, बाकी जो जो पहले की जैसा, यानी दैट मीन्स वी वांट टू मेक इट इनटू ए होमोजेनियस पार्ट। और बल्कि मैं आपको ये बता भी देता हूँ, शो यू मेरे पास ये है, उसकी क्या नाम है, जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपको समझ आ रहा है ताकि आपको ज्यादा मसला ना हो। कहां से आएगा, इसमें यही है, यहां पर ये पेंट आ गया, पेंट देयर, इसको भी है, देखिए ऐसा है कि ये स्क्रीन शेयर हो गई आपके साथ। हेलो, जैसे ए एन है इक्वल जी सर हो रही है, हाँ बस आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए एन माइनस वन प्लस थ्री एन, फर्ज किया ये आ गया, किस किस्म का आ गया, थ्री एन प्लस, आप इसके साथ आप ये भी लिख दें, तो ये जो पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं यानी इट्स फंक्शन, फंक्शन ऑफ एन, तो इसको यूज करेंगे पार्टिकुलर सोल्यूशन में, पार्टिकुलर सोल्यूशन में। ओके, अच्छा ये जो पार्ट है यानी ये वाला जो आ जाएगा, ये वाला अगर इसको हम रखते हैं जैसे कहा जाए कि ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन
या कुछ और भी हो, तो इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन के लिए, जनरल सोल्यूशन के लिए इसको इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इससे कैसे है ये, जैसे कहा जाए यानी दो हिस्सों में हो जाएगा। पहला हिस्सा, पहला आपने ये वाला सॉल्व करना होता है, उसके बाद फिर हम यानी ए एन इक्वल टू यहाँ कुछ रखे हम, जैसे कहा जाए कि वो बाद में बताता हूँ कि बी, ये बी थ्री क्यों पता नहीं है ना, प्लस समथिंग ये कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। ये देखना एन की वैल्यू से, ये सी जो है ये कांस्टेंट है, ये फाइव जो है कांस्टेंट है। ये बाद में फंक्शन आपको मैं इसके फंक्शन दे दिए जाएंगे कि कौन से फंक्शन हो तो कौन से आ जाएंगे, तो इस तरीके से है ये। तो जब यानी कि वो थ्री एन प्लस फाइव को रख के साफ करेंगे उसका सोल्यूशन, उसको बोलते हैं पार्टिकल सोल्यूशन। और एन इज इक्वल टू एन माइनस वन, या जैसे कहा जाए ये है आपके पास, मैं एक और बता देता हूँ, ए एन इक्वल टू ए एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस वन प्लस ए यानी ए एन माइनस थ्री। और चल इसको खत्म करूँ, ये कहाँ से आ गया। फिर आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास यानी सिक्स इंटू फोर इंटू एन, इसी के ज्यादा है। तो पहले आपने यानी इसको खत्म कर देंगे, तो ये जो पोर्शन है ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस थ्री, ये हो जाएगा जनरल सोल्यूशन के लिए। जब इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ये आपने पहले भी किया है रिकंसिलिएशन से, पहले किया था, बाद में क्या लिखेंगे ए एन यहाँ पर ए एन इक्वल टू यानी पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए सिक्स इंटू सिक्स की जगह सी आ जाएगा और बाकी फोर ए एन फोर एन, फिर इसको सॉल्व करेंगे। यानी ये सारे का सारा जो एक्चुअली क्वेश्चन है इसमें, जैसे अगर आपके पास लिखा है ना ए एन इक्वल टू आपने किया है सिक्स फोर एन, तो ए एन माइनस वन हो जाएगा सी फोर एन माइनस वन, जो वेरिएबल है वो मकसद ये कि जो तो कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट रहेगा, और ए एन माइनस टू हो जाएगा सी फोर एन माइनस टू, ए एन माइनस थ्री इक्वल हो जाएगा सी फोर एन माइनस थ्री। तो इस तरीके से ये वर्क चलता है। ठीक है, मेरे ख्याल में अभी यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास, ये जो स्क्रीन नजर आ रही है इसमें बताया, ताकि मैं फिर आगे आगे चल सकूं। जी और अगर आप हमें नोट्स प्रोवाइड कर दें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, हम साथ देखते रहेंगे। देखिए मेरी बात सर, मेरा क्वेश्चन है, देखिए मैं पहले पहले उसका जवाब दे दूं, अगर आप नोट्स दे देंगे ना आपको, आप यहाँ छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, हमारा ये बड़ा एक्सपीरियंस है इन चीजों का, आप फिर तवज्जो नहीं देंगे, आपको मैं नोट्स मिल गया ठीक है, मैं जैसे कहा। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन सर, लास्ट लेक्चर का भी नहीं मिला अभी तक, रिकरेंस चेक करा दे। ये कैसे हो सकता है सर, नहीं मिला अभी तक, यस सर नहीं मिला। ये कैसे हो सर, ये वाली चीज सर अभी तक भी नहीं है जी सर, ये जो आप कहने के लड़के भाग जाते ये सब पर तो था ही नहीं। मैं जो मेरी बात सुनो, मैं टीचिंग मेनी मेनी इयर्स कि जब स्टूडेंट को नोट्स मिल जाते हैं फिर वो तवज्जो नहीं देता लेक्चर पे, और इसलिए फिर मार खा जाता है, उसको पता होगा मैं पढ़ लूंगा बाद में। अच्छा ये मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि नोट्स नहीं मिले आपको, मैं अभी 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 भेज नहीं, पहले जो आपको मैंने पढ़ाया था वो आपको समझ में तो आ गया होगा, नोट्स में भेज देता हूँ इसके, मैं अभी लेक्चर के बाद भेजता हूँ। ठीक है, अभी करता हूँ, ये तो आई कैन डू नाउ, ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो जी जितने हमारे पास जनरल सोल्यूशन होंगे उतने हम पार्टिकल सोल्यूशन लेंगे सर। नहीं नहीं, वो इस पे डिपेंड करता है, ये जो है ना कि आपके पास यार ये यानी वो इस पे डिपेंड करता है कि यहाँ क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है।
जरा दो तीन मिनट दे दो, मैं आपको पहले वो भेज दूँ, आपको लेक्चर तो भेज दूँ पहले मैं। ओके ये सर। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि आपको लेक्चर ही नहीं मिला, तो फिर तो अच्छा ये रिकमेंडेशन आपको मैंने भेज दिया, व्हाट्सएप पे भेज दिया है आपको, ठीक है। बाकी दूसरा लेक्चर मैं आपको भेजता हूँ बाद में, जब ये पूरा हो जाएगा, द नावल सैंडी। हेलो जी सर, देख लिए हैं सर। हाँ आपको भेज दिया जो मैंने लास्ट टाइम दिया था। ये वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए, कोई मेरे ख्याल बात आगे पीछे हो गई है, क्योंकि मैं कोशिश ये होती है कि जैसे ही मैं लेक्चर खत्म करूं उसके विद इन फ्यू आवर्स या एक दिन के बाद आपको भेज दूं। और वैसे भी एक चीज और बता दूं आपको, ये जो है ना, ये लेक्चर वहीं से तैयार किए गए हैं जो कि आपकी किताब है, ये जो रिचर्ड ब्राउन की किताब है उसी में से है। आपने मुझे इससे अंदाजा हो रहा है, या पता नहीं सही है गलत है, आपको लोग किताब खोल के देखते ही नहीं है, अगर देखते हैं तो फिर आपको डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। एनीवे लेट्स गो हियर। नहीं सर, देखिए हाँ तो फिर आपको आना चाहिए था। कल लास्ट लेक्चर पे एक क्वेश्चन था मेरा। मैं तो खोल लेंगे इसको, एक तो आज कुछ थोड़ा सा मसला आ रहा है, कंप्यूटर सही सेट नहीं हो रहा। सर काइंडली सर ये वाला क्वेश्चन तो बता दीजिए सर, जो मैंने पूछा है अभी सर, जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन वाला है। हाँ इसमें क्या है, सर मैंने, मेरा सवाल ये था कि जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो हम लेंगे सर, जितने जनरल सॉल्यूशन होंगे हम उतने पार्टिकुलर सॉल्यूशन लेंगे सर। देखना जो सर आपको, यहाँ पे हाँ सर अगर तीन, जैसे तीन a(n-2) है, a(n-1) है, a(n-3) है, तो हम तीन हाँ पार्टिकुलर तो सॉल्यूशन हाँ लेंगे सर। तो हाँ देखो ना, हाँ मकसद ये कि आपने लिखा है, देखो ना ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये n इज इक्वल टू, मैंने लिखा है सर c 4 पावर n, ये लिखा है सर ना, आप जैसे समझा रहे हैं सर। जब मैं लिखा है n इज इक्वल टू c 4 पावर n, तो जितने भी इसके अंदर an-1 होगा, an-2 होगा, an- जो भी होंगे उसकी जगह इसको रखना पड़ेगा फिर, यानी जो n है वैल्यू उसको चेंज करने के बाद, ठीक है। जी सर, अगर सर लेट्स सपोज सर, अगर यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन में an-4 होता तो हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन में c4 की पावर n-4 करेंगे सर। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल ओके सही। सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू अच्छा सर। हाँ अब दूसरा क्या है, दूसरा किसका कोई क्वेश्चन है। कल लास्ट जो लेक्चर हुआ उसमें से पूछना था। उसमें से पूछना है, उसमें क्या है, मुझे बात करो। कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल रूट्स रूट्स आपने करवाया था, तो उसमें जो जनरल आपने फॉर्मूला जनरेट किया था ना, वैसे आपने लिखा हुआ था लेकिन हमें उसकी समझ भी नहीं आई कि ये कैसे जनरेट किया। और सेकंड वन ये है कि उसमें नहीं 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 a0 नहीं a1 एक 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 बात सुनो मेरी, आप लफ्ज हमें इस्तेमाल कर रही हैं या मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, हमें तो आप नहीं कह सकती, क्योंकि ये तो सिर्फ आपका है ना मसला, सबका तो नहीं है। कर चले, मैं अपनी बात हाँ कर नहीं रही हूँ ऐसा कि नहीं ना, मुझे देखो ना ये गलत बयान से काम मत लो, जो सही है वही बताओ कि तुम्हारा मसला है वो ठीक है, मैं अभी देखता हूँ उसको। हाँ जी सर। जस्ट चेक इट अगेन, ओके, मैं पहले उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये
इसमें डॉक्यूमेंट भी आ गया। अच्छा जी, ये आपके सामने आ गया रजिस्ट्रेशन वाला जो कुछ वो सारा, इसमें आप इसकी बात कर रही हैं ना, ये वाला क्वेश्चन था जिसमें ये आ रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल जी सर, इसके जनरल फॉर्मूला जो है। हाँ, इसमें ये कंडीशन दे दी गई कि इस पे आप देखें ना, एयर इज इक्वल टू अल्फा एन रखा आपने, देख लिया ना, तो जैसे यहाँ आ जाएगा यानी ए एन माइनस टू इक्वल टू अल्फा एन माइनस टू, ए एन माइनस फोर जैसे यहाँ पर है तो ए माइनस फोर आ जाएगा, वही किया आपने कर कर आके आपके पास ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन अल्फा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इसका सोल्यूशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या समझ में नहीं आया, देखो ऐसा है, मैंने बताया था कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन ट्वाइस आएगा ना, ये वाला अल्फा स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस वन, फिर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस वन, तो दो दफा आया ना, तो अल्फा इज इक्वल टू यानी जैसे कहा जाएगा कॉम्प्लेक्स आयटा, दूसरी दफा भी आयटा आ जाएगा, तीसरी दफा माइनस आयटा और फोर्थ टाइम भी आयटा। तो पहले हम रखते हैं आई पावर एन, चूंकि रिपीट हो रहे हैं आई दोबारा आ रहा है तो इसमें ये एन आ जाएगा, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन से ही चला आ रहा है कि अगर अगर आपके पास जो रूट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं तो उसको एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे यहाँ ये माइनस आईटा है, ये क्या नाम है ए फोर और एन आ जाएगा। तो इनिशियल कंडीशन पुट की आपने, अब इनिशियल कंडीशन क्या है, एन इज इक्वल जीरो टू जीरो, तो ठीक है ए इज इक्वल जीरो, तो ये देखो ना यहाँ पर क्योंकि एन है यहाँ पर ए ए जीरो इक्वल टू जीरो है और ए वन आई पावर जीरो मीन्स वन, तो ए वन आ गया, ए टू यहाँ एन है तो ये सारे का सारा जीरो हो जाएगा एन इज इक्वल जीरो, यहाँ ए थ्री यहाँ क्या है इसका, तो ये भी जीरो वन आ जाएगा माइनस आई पावर जीरो मीन्स वन, फिर ए फोर एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो ए वन प्लस ए थ्री इक्वल टू जीरो आ गया। सिमिलरली आपने वन पुट किया यहाँ पर, तो ए वन आई प्लस ए टू जैसे कहा जाए कि ये वन हो गया यहाँ पर, ए टू माइनस एन जो भी है ये ए टू आ गया, फिर नेगेटिव आ गया, इस तरीके से ये कर कर आके आपके पास ये सारे ये जवाब आ गए, यानी देखो चार ए टू और ए थ्री भी बताइएगा, क्या चीज ए टू और ए थ्री का भी बताइएगा, जब हमने इनिशियल वैल्यूज पुट किए हैं। अच्छा ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर ए टू पुट किया तो ए टू की वैल्यू याद ये भी, तो आई स्क्वायर क्या होगा माइनस वन, हाँ तो यहाँ माइनस वन आ रहा है ना, देखें ये माइनस वन है, ये माइनस वन है ना, माइनस ए वन आ गया ना जी सर। अच्छा अच्छा, इसके बाद ये टू ए टू आ गया आई स्क्वायर, तो वो भी माइनस वन, तो ये भी नेगेटिव आ गया, लेकिन यहाँ पे सर माइनस टू ए टू लिखा हुआ है। हाँ हाँ, तो वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, देखो ना यहाँ ए टू की कीमत क्या है, यहाँ एन इज इक्वल टू लिखा है ना यहाँ पर, तो ये ए टू आ गया, यहाँ ए वन आई स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस ए वन आ गया। अच्छा ए टू एन की कीमत क्या है यहाँ पर, हेलो सर, हाँ तो टू ए टू हो गया ना, और ये माइनस वन, तो माइनस टू ए टू हो गया,
ये एन भी तो कीमत दे रहा है ना किसकी? सबस्क्रिप्ट में है या पावर में है ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे। कौन सा एन जो है जी सर? एन तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी एन मल्टीप्लाई हो रहा है, सबस्क्रिप्ट में नहीं है ये। ओके यहाँ से लिखा था तो थोड़ा सा वो हो गया जैसे कहा जाए, क्योंकि साथ में ये टू होता है मल्टीपल में है ना। तो इसको हम और तरीके से लिख देते हैं, इसको ऐसे कर लें। हाँ क्या हो गया, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल में अभी आप समझ में आ जाएगा ये। और बाद में यहां देखिए A3 माइनस आईटा स्क्वायर या माइनस आई कॉम्प्लेक्स, तो ये क्या, ये भी माइनस वन आ जाएगा। उसके बाद A4 और n है, n की कीमत क्या है 2 है, तो 2A4 माइनस माइनस वन, तो ये तो सारे माइनस में आ गए। अब ठीक है यस सर, वही समझ नहीं आ रहा था कि ये n कहाँ पे है, मतलब पावर में है या सब में आ रहे। हाँ नहीं नहीं सर जी सर, ठीक हो गया ना। ओके हम आगे चलते हैं। अभी जो ये प्रीवियस लेक्चर है इसमें किसी और को मसला है? सर अभी तक देखा नहीं है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पूछे। अच्छा ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ फिर। ओके तो ये इस तरीके से है, तो ये जो है ना, अब ये सब ये जो क्वेश्चन है इसमें जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें यहाँ कांस्टेंट कोई वैल्यू नहीं आ रही, कोई भी वेरिएबल इसमें और नहीं है, ठीक है ना? तो इसलिए ये तो आसान हो गया। अब अगर यहाँ मैं कुछ और लिख देता हूँ, यानी जैसे एन इज इक्वल टू माइनस टू ए एन माइनस टू माइनस टू और ये एन माइनस फोर, ये सॉरी ए एन माइनस फोर प्लस फाइव 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 एक्स हो गया या फाइव ऐसी कोई चीज आ जाए, तो वो फिर नॉन होमोजीनियस आ जाएगा। जब वो नॉन होमोजीनियस आ जाए तो फिर बड़ा मसला है, तो उसके लिए फिर हमें जो है ना इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस रिकंसिलेशन, तो हमें उसको सॉल्व करना पड़ता है। ओके तो आई जस्ट स्टॉप दिस वन हियर और हम अपने लेक्चर पे चलते हैं। ये आ गया जी, ये आगे पीछे हो गए यस सर। अच्छा जी ये आ गया, तो देखो यहाँ से ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो बस ये सोल्यूशन आ गया माइनस टू एन और थ्री एन माइनस वन। ओके अच्छा अब आगे देखिए, ये एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका रिचर प्रॉब्लम से ही लिया गया है, ये बताओ। ओके तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कहां तक जाता है ये। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ये प्रॉब्लम है और इसको देखना पड़ेगा। अच्छा अब सॉरी जो अगर हम रखते हैं इसको ए एन माइनस थ्री एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन का पार्ट, और 2 माइनस टू एन स्क्वायर ये है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन का पार्ट, तो दो पार्ट है इसके। तो लेट्स सी इसको देखते हैं करके, तो वी फाइंड एन एच। ओके इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, तो ये आ जाएगा आपके पास ए एन माइनस थ्री ए एन माइनस वन, ये आ गया। ओके तो इसके रूट्स ये सही है, ये आ जाएंगे या नहीं आएंगे इसको करके देखें आप। यानी इससे पूरा सॉल्व नहीं किया है, अगर हम रखेंगे थ्री यानी ए इज इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा पावर पावर एन, तो अल्फा पावर एन माइनस थ्री अल्फा पावर एन माइनस वन, तो ये कर करा के इसका सोल्यूशन ये जरा करके देखें यहाँ से, इसको सॉल्व करें इसका जवाब ये आता है नहीं आता है। यानी एन इज इक्वल टू ए एन माइनस थ्री ए एन माइनस वन इक्वल टू जीरो,
इसको सॉल्व करें, इसका जो जवाब ये दिया गया आपके सबके पास आ रहा है नहीं आ रहा है, इसने तो क्योंकि ज्यादा डिटेल नहीं दिया, जो तो मैंने वहीं से उठाया था, तो इसको देखते हैं ये क्या हो गया। जी इसको और थोड़ा बड़ा कर लें मेरे ख्याल में। हाँ तो इसको देखें जरा, यानी इसका सोल्यूशन आपके नजर में यही है या कुछ और है? अगर यहाँ से ये स्टेप यानी कि एक ही स्टेप बीच में है तो सर यही आएगा। दे आपने करके देख लिया वैसे ही कह रही है सर, इसकी एक ही रूट बन रही है ना, x माइनस थ्री विच इज इक्वल टू जीरो, तो अल्फा थ्री आएगी। ठीक है, फिर ए इज अ कांस्टेंट। अच्छा Anybody else has any question, please ask me, तो मैं आपको आपको जवाब देता हूँ। सर इधर ये ब्रॉडली की बुक में है जो जनरेटिंग फंक्शन से रेकरेंस रिलेशन फाइंड आउट किया हुआ है, सर वो वाले हमें क्वेश्चंस करने? हाँ वो इसलिए कर रहे हैं कि अभी मैंने आपको वो नहीं पढ़ाया, जेनेटिक फंक्शन नहीं पढ़ाया। ठीक है, हेलो जी जी सर। हाँ जनरल ट्यूनिंग फंक्शन पढ़ाना है, उसके बाद करने हैं। आपका ये 11वां लेक्चर है ना? जी अच्छा। हाँ तो हमारे 3 लेक्चर और हैं, तो मैंने अब अगले हफ्ते जनरल ट्यूनिंग फंक्शन करके फिर इस दोबारा इसी पे आ जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको जो है ना एक किस्म का फुल नॉलेज हो इसका, कमेंट और इसका चलता कैसे है जैसे कहा जाए इसने। तो लेकिन जब जनरल ट्यूनिंग फंक्शन पढ़ा ही नहीं है, आपको आता भी नहीं है, तो आप वैसे तो नहीं ना ऐसे खाम खा तो नहीं ना वो करना हम लोगों ने, पहले आपको पढ़ाना है उसके बाद वो मेरे ख्याल में एक लेक्चर में समझ में आ जाएगा, ज्यादा मसला नहीं है उसका। एनीवे अच्छा अब ये है कि इसके अंदर बाकी जो फंक्शन है वो 2 - 2n² इसको कैसे करना है, इसको कैसे करेंगे? Then next we find in P particular since f of n is equal to 2 minus 2n square is a polynomial n of degree 2. तो उसमें ये आ जाएगा b n square plus c n plus d. That's very important. ये बहुत ही important है। आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है। ये उसके second point है ना? हाँ नहीं मैं बताता हूँ कि अब यहाँ जो है ना ये बात भी समझ नहीं की है, वहाँ जो आपके पास पहले क्वेश्चन किया था वो पावर की पावर दे रही है बस। ठीक और इधर मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, उसमें ऐसा था कि पहले था कि 3n, अब यहाँ तो ये आएगा 2n², तो जब ये n स्क्वायर आता है तो उसके बाद आ जाएगा इसका n, उसके बाद कांस्टेंट n स्क्वायर, फिर इसका और पावर कम करेंगे तो n आ जाएगा, उसके पावर कम करेंगे तो सिर्फ कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसलिए ये लिखा है क्योंकि ये देखो ना 2 जो है वो कांस्टेंट है। अच्छा फिर आपको थोड़ा और कि अगर मैं लिखता हूँ कि a इज ए कांस्टेंट, b इज ए कांस्टेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं c, a प्लस b और c, ये अपनी तरफ से होता है। तो इसलिए ये आ गया, यानी हमें नहीं पता कि इसके कांस्टेंट कौन कौन से होंगे, इसलिए हमने इसको कर लिया बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी। तो बी सी डी सब निकालने पड़ेंगे आपको। यानी अगर आपको मैं देता ना एन फोर, अगर मैंने यहां लिख देता 2n² तो क्या आ जाता, यानी कि फर्स्ट क्या पहले यानी बी एन फोर सी एन क्यूब डी एन स्क्वायर और डी, ये इससे कैसे आना था? ठीक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पोर्शन जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट, इसमें लोगों को जैसे कहा जाए कि ज्यादा वो नहीं होता जैसे कहा जाए, तो ये इसमें कंडीशन आ जाती है कि आप देखें कि पावर कौन सा मैक्सिमम है तो उसके साथ आखिर तक ले जाए कॉन्स्टेंट जैसे कहा जाए। इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी रफली स्पीकिंग 2n² को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये
टू इन स्क्वायर रहेगा, तो हमें नहीं पता कि जब इसको उसमें पुट करेंगे क्या वैल्यू आएगी, तो हम लोग देते हैं बी एन स्क्वायर, तो बाकी जो डिफरेंशिएट है तो एन आ गया, तो उसके साथ अगर सी उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसलिए डी बी सी डी। अब ये तीनों का पता लगाना, हमारे पास कितने अननोन हो गए, ए बी सी और डी, तीन हो गए। तो अब देखें अब ये इसको यानी तो ये कैसे पुट करेंगे, यानी ए एन की कीमत ये है, ये आप लिखे किसी जगह, मैं फिर बताता हूँ आपको, ये लिख लें ए एन इज इक्वल टू बी एन, ये पी को आप छोड़ दें, पी जो है ना वो एक कह रहा है कि वो अलग अलग कर रहा है कि ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ए एन इज इक्वल टू बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी। तो अब देखो यहाँ पर पहले क्या है, ए एन की जगह आ गया बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, उसके बाद माइनस थ्री ए एन माइनस वन, तो जहां जहां ये यानी ये माइनस थ्री ये माइनस थ्री ये वाला ए एन स्क्वायर माइनस यानी बी एन स्क्वायर है, तो बी एन माइनस वन स्क्वायर प्लस सी एन माइनस वन, जहां जहां यानी एन है वहां एन माइनस वन करना, और डी आ गया क्योंकि डी में तो एन तो है ही नहीं, बाकी आएगा टू माइनस टू एन स्क्वायर। अब देखो ना बी आ गया सी आ गया डी आ गया, ऊपर ए भी है, तो पहले हम इसको निकाले ना कि यहां से बी सी डी की कीमत क्या निकलेगी, ये बात समझ आई? नो सर, ये वाली समझ नहीं आई सर। वो कैसे, मैं कह रहा हूं कि देखो ना ये ए एन की कीमत क्या है, बी एन स्क्वायर प्लस सी सी एन और डी, ए एन माइनस वन की कीमत क्या होगी, बी एन माइनस वन स्क्वायर सी एन माइनस वन और डी, ये ठीक है जी सर। अच्छा तो ये देखो ना ये ए एन था, ये थ्री एन माइनस वन है, तो ए एन माइनस वन की कीमत क्या होगी, यानी बी एन बी इंटू एन माइनस वन स्क्वायर प्लस सी एन माइनस वन और डी, तो ये देखो ये यहाँ आ गई, और बाकी आखिर में क्या है ये वाला टू माइनस टू एन स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में से आप निकालें बी सी और डी कीमत निकालें, ये निकालें आप अभी देखते हैं, वो कैसे निकालेंगे कि यहां देखें कोफिशियंट ऑफ एन स्क्वायर कितना है, कोफिशियंट ऑफ ये सबको खोल लें इसको, ये तो खुला भी है बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, और यहां ये आ जाएगा बी एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन और सी एन माइनस सी और डी, तो इसकी कीमत निकालें। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये बता रहा हूं आपको, देखो कोफिशियंट ऑफ एन स्क्वायर, यहाँ कोफिशियंट क्या है बी एन स्क्वायर, इसमें बी एन स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर यहाँ पर है, यहां से क्या निकलेगा बी माइनस थ्री बी एन स्क्वायर, तो बी माइनस थ्री बी इक्वल टू इस तरफ क्या है माइनस टू है, इधर भी एन स्क्वायर है इधर भी एन स्क्वायर है, यहां पर भी आधा एन स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे तो बी माइनस थ्री बी माइनस टू आ गया, ये ठीक है जी सर। अच्छा अब आ गया एन, यहाँ सी एन है सी आ जाएगा, यहाँ के क्या आ जाएगा थ्री इसमें से एन स्क्वायर में क्या आ जाएगा टू एन, बी की वैल्यू आ जाएगी वन, वो कैसे सर इनके कोफिशिएंट्स जो है उनको कंपेयर करके एन स्क्वायर एन कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो एन स्क्वायर के कोफिशिएंट आ जाएंगे बी माइनस थ्री बी, मैं पूछ रहा हूँ पहले, देखो वो ठीक है यहाँ से बी माइनस थ्री बी से आप इसी कीमत निकाल देंगे बी इज इक्वल टू माइनस वन यानी माइनस बल्कि टू आ जाएगा, बी इज इक्वल टू आ जाएगा ना यहाँ से सॉरी वन आ जाएगा बना। अच्छा लेकिन आपको ये पता है ये इक्वेशन कैसे आई ये वाली, सर ये सारा हमने मल्टीप्लाई किया जो आपने बताया था कि an की जगह हमने पुट करना बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, एन माइनस वन की जगह वो एन माइनस वन करते रहेंगे, सारी वैल्यूज को पुट किया इक्वेशन में जो आपने इक्वेशन बताई थी an माइनस थ्री an माइनस वन विच इज इक्वल टू टू माइनस टू एन स्क्वायर, उसके अंदर वैल्यूज पुट करते गए हैं, तो an की जगह हमने पुट किया बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, और an माइनस वन को जो भी वैल्यू आई वो बी इंटू एन माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सी इंटू एन माइनस वन प्लस डी, इस सारी इक्वेशन को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास राइट हैंड साइड पर वैल्यू आ जाएगी टू माइनस टू एन स्क्वायर जी, सारे कोफिशिएंट में से जी।
अब ऐसे है कि ये तीन इक्वेशन है, तीन ही अनोन है, तो बी की कीमत बना आ गई यहाँ पर, तो बेस यानी कि ये सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, ये सारा आ गया यहाँ पर, बी इज इक्वल टू वन आ गया, सी इज इक्वल टू थ्री आ गया, डी इज इक्वल टू टू आ गया, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया ए एन पी पर्टिकुलर एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस टू, ठीक है, बी की कीमत आ गई सी की, यानी यहां पुट किया ना आपने, बी कीमत आ गई, सी कीमत आ गई, डी कीमत आ गई, यस सर, ओके, ये वाली में सी माइनस थ्री आ जाएगा, ए एन पी इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस थ्री, अच्छा आपके पास जनरल सोल्यूशन भी आ गया, पार्टिकल सोल्यूशन भी आ गया, दोनों को कंबाइन कर दें आप, तो ये आपने कंबाइन किया इसको, यही है ना, जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय यानी ए एन पी और ये वाला, तो ये आ गया ए थ्री एन, बाकी ए एन पी आ गया एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस प्लस टू ए एन पी। अब ऊपर कुछ ना कुछ दिया होगा यहाँ पर आपको, जो क्वेश्चन है उसके अंदर ए नाइन इक्वल टू थ्री, ठीक है, ए नॉट इज इक्वल टू थ्री आ गया, तो यहां आपने पुट किया ए नॉट, वो इसके अंदर ए नॉट इक्वल थ्री, ये आ गया ए, ये जीरो, ये भी जीरो, ये टू, तो ए प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, ए इज इक्वल टू वन आ गया, तो यहाँ ए इज इक्वल टू थ्री एन, थ्री एन एन स्क्वायर थ्री एन प्लस टू, तो ये सोल्यूशन आ गया आपके पास, थ्री पावर एन एन स्क्वायर थ्री एन टू। अब इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं, तो ये सारा प्रोसीजर है जैसे कहा है, दिस इज द एंटायर प्रोसीजर, सोल्यूशन कैसे निकालना पड़ता है आपको, पर्टिकुलर सोल्यूशन अलग निकालना पड़ेगा और दूसरा सोल्यूशन अलग निकालना पड़ेगा, फिर दोनों कंबाइन करना पड़ता है, तीनों स्टेप इसमें, बल्कि मैं तो हैरान हूं कि इसके अंदर उसने सारे स्टेप दिए हैं, जो भी हम हाथ से लिखते हैं सब स्टेप उसने सारे लिखे हैं, हालांकि जैसे यहाँ थ्री इज इक्वल टू ए प्लस टू है, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू कोई भी जो इंटर पास है वो भी निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू वन, लेकिन रीजन प्रॉपर्टी ने सारे दे दिए हैं वहां पर, सारे स्टेप दिए हैं, तो ये स्कोप है, फिर से इसको रिपीट करा देता हूँ, ये क्वेश्चन था, दैट वाज द क्वेश्चन, ये बता and solve the reconciliation, n is equal to 3, n minus 1 or 2, minus 2 n square. तो अगर हम इसको इसको खत्म कर दें इस वाले को, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये तो n h इसको निकालना तो आसान हो गया, ठीक है, n minus 3, n minus 1, एक यहाँ से तो आप निकाल लेंगे, हमेशा याद रखें कि जब नॉन होमोजेनियस इक्वेशन आएगी उसके अंदर आपको मसला कहाँ आएगा, जहां पर के नॉन होमोजेनियस पार्ट को साफ करना आर इज ए डिफिकल्ट जॉब, आर इज ए डिफिकल्ट जॉब, ओके, तो इसको थोड़ा सा गौर से आपको देखना पड़ेगा इसको, ओके, सो आगे चलिए, तो ये तो आपके पास आ गया, n is equal to a 3 n, इसका तो आसान हो गया, मसला है यहाँ पर पर्टिकुलर के लिए, तो ये है कि हमने सिंस ये 2 minus 2 n square is a polynomial in n of degree 2, तो डिग्री को देखना पड़ता है कि 2 है तो 2 से ये कम करे n आ जाएगा, और कम करे तो ये 1 आ जाएगा, तो इसलिए लिखा है कि b n square, इसको आप भूल जाए आप, ये है जो है ना, अच्छा इसकी एक लिस्ट है कि कौन से फंक्शन तो कौन सा रखना चाहिए, तो मैं बता, लेकिन ये इसमें ये होता है कि अगर मैं डिवाइड करता हूँ a डिवाइड बाय b, a भी कांस्टेंट है b भी कांस्टेंट है, तो मैथमेटिक्स में वो कांस्टेंट ही रहेगा, अगर a है a माइनस b इज आल्सो कांस्टेंट, और a मल्टीप्लाई बाय b इज आल्सो कांस्टेंट, a प्लस b इज आल्सो कांस्टेंट, तो इसमें ख्याल करें ये चीजें इस्तेमाल होती है यहाँ पर, ओके, तो इसमें ये आ गया बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, अब ये है तो ए एन माइनस वन किसके बराबर आ जाएगा, बी एन माइनस वन स्क्वायर प्लस सी एन माइनस वन और डी, ये आ गया जैसे क्या है, ये वही इक्वेशन है
यानी ए एन थ्री ए एन माइनस वन इक्वल टू टू एन स्क्वायर। तो ए एन की जगह हमने ये रख दिया बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, थ्री ए एन माइनस वन, तो थ्री तो अपनी जगह है, बी भी अपनी जगह आ गया क्योंकि एन एन की कीमत चेंज हो रही है, तो एन माइनस वन स्क्वायर सी एन माइनस वन और डी इक्वल टू टू और माइनस टू एन स्क्वायर। अब यहां से आपने तीन इक्वेशन ये जो है इसमें से कोफिशिएंट को एन स्क्वायर कोफिशिएंट अलग कर लें, एन के अलग कर लें और देखा ना जो कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ एक तो डी आ गई, इसमें से क्या निकलेगी बी एन स्क्वायर माइनस टू बी एन और इस तरीके से ये सारा कर कर आके ये आ जाएगा माइनस थ्री बी। यहां से क्या निकलेगा सी एन और सी माइनस सी आ गया यहाँ पर। ओके हाँ ये सारा है इसके साथ है ये ब्रैकेट थ्री आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद डी यहाँ पर है तो ये माइनस थ्री डी आ गया इक्वल टू टू। तो देखिए तीन इक्वेशन है, तीन ही अननोन है तो बड़ा आसान होता है इनको निकालने का। अगर तीन इक्वेशन होती दो अननोन होते तो बड़ा मसला हो जाता, या अगर चार अननोन है तीन इक्वेशन है तो वो जरा मसला हो जाता है उसको निकल तो आती चीज है लेकिन एक वो थोड़ी सी आपको फिर थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा करनी पड़ती है। तो इससे कैसे है ये जैसे कहा जाए ये आ गया। उसके बाद जब वंस यू सॉल्व दिस वन यानी कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर है ये कोफिशिएंट ऑफ एन है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जस्ट फाइंड आउट ए बी सी। इसने सॉल्व कर दिया है ए बी सी को इज बी इक्वल टू वन सी इक्वल थ्री डी इक्वल टू। तो ये आ गया फॉलो फ्रॉम टू एंड फोर यानी इसकी वैल्यू से टू कौन सी है टू ए वाली है वो ये वाली बी की वैल्यू डाल दी सी की वैल्यू डाल दी डी की डाल दी यू एंड अप लाइक दिस वन हियर ये आ गया। अब इसमें एन जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा ये वो पहली वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहाँ तो एन इज इक्वल टू थ्री एन ए नॉट इज इक्वल टू थ्री है तो यहाँ ए थ्री पावर जीरो मीन्स वन ये भी जीरो ये टू आ गया तो थ्री इज इक्वल टू ए प्लस टू ए की वैल्यू कीमत वन आ गई ये जैसे आपने यहाँ पुट कर दी वो यहाँ पर ए की कीमत वन सो वन थ्री पावर एन दिस इज योर आंसर। ओके एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। एज किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कौन सा एन एन इक्वल टू एन एच पावर में प्लस एन बीपी फॉर पार्टिकल सॉल्यूशन है और एच जनरल सॉल्यूशन बता रहे हैं। हाँ ये जो है ये उस वक्त है जबकि इसको हमने इक्वल टू जीरो पुट किया तो जो वो उसका पार्ट आएगा ना उसको बोलते हैं एन पी और जब ये हम निकालते हैं पर्टिकुलर उसको पी तो दोनों को तो दोनों को मिला के इसको बोले देखो ये जो भी लिखाया था मैंने यार शुरू शुरू में ये देखो यहाँ पर फाइनल जनरल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस यानी मैं बताता हूँ इसको क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। यानी बहुत सारी किताबों में बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें लिखी गई है कि पहले तो उसको जीरो पुट करो जो नॉन होमोजेनियस यानी ये समझ लीजिए कि इस इक्वेशन के अंदर ये जो है अगर मैं इसको जीरो पुट कर देता तो इसको बोलते हैं होमोजेनियस पार्ट और ये थ्री पावर एन जो है इसको बोलते हैं नॉन होमोजेनियस पार्ट या ये जो है वो होमोजेनियस पार्ट है तो ए एन एच कर देते हैं और ये पर्टिकुलर पार्ट है तो इसको ए ए बी कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर यह ओ, ये वाला क्या नाम है कहाँ गया यानी ये होमोजेनियस पार्ट का सॉल्यूशन है और ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन का पार्ट है ठीक है दोनों को मिला के जनरल सॉल्यूशन है ये जैसे कहा इधर क्लियर क्योंकि लास्ट टाइम हमने किया था सिर्फ जहां होमोजेनियस पार्ट्स है तो उसमें तो नहीं नॉन होमोजेनियस नहीं आ रहा था
तो जो नॉन होमोजीनियस है उसको हम बोलते हैं पार्टिकल सोल्यूशन, उसको हम कैसे कैसे निकाला जाता है। ओके जी, लेट्स गो फर्दर। और एनीबॉडी एल्स प्लीज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क मी नाउ। देख लिया फिर देख लिया, मैं आपको शुरू से इसको दिखा देता हूँ दोबारा से, क्योंकि देखिए इसमें काफी चीजें, जो सबसे ज्यादा मसला पेश आता है लोगों को वो यहाँ आता है, वापिस से बता देता हूँ। ये वाला जो ये 2 - 2 स्क्वायर में ये कैसे आ गया, ये वाला, ये तो इसका इसके लिए टेबल पे एक्सपोनेंशियल आ जाए तो फिर सर उसको कैसे करेंगे, ये तो पॉलीनोमियल है ना। क्या एक्सपोनेंशियल आ जाए जी, तो ये 3 पावर n क्या था, ये जो पहले क्वेश्चन किया था जी सर, 3 पावर n वाला। हाँ तो उसमें देखो जो पहले किया था ये वाला, इसमें यही था ना, ये देखें इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये देखो यहाँ यहाँ क्या था, ये यहाँ 3 n था ना, मतलब जैसे कहा जाए तो ये, तो उसमें मैंने अभी कभी आपको इसलिए तो बताया था कि ये इस तरीके से आ गया, जैसे कहा यहाँ जैसे b(b)(3)n आ गया। इसका भी नहीं पता कि 3 पावर n का को जो वो है पावर, इसके साथ जो कांस्टेंट आएगा वो कौन सी वैल्यू आएगी, तो हमने उसको b सपोज कर लिया। अच्छा ये आपकी मर्जी पर है, a सपोज करें b सपोज कर लें, लेकिन ये नहीं है कि पहले आपने अगर उसको a सपोज कर लिया तो यहाँ पर b आएगा, ऐसा नहीं कि वो भी a है ये भी a है तो फिर जरा मसला हो जाएगा आपके लिए। तो बस यू डिसाइडेड तो उसको उस पे उसी को रखें, फिर जैसे कहा चेंज मत करें उसको, क्योंकि ये लोग इसी में उतना रहते हैं कि ए को ए रखे बी को बी रखे, नहीं जो तो आपने रखा है ना होमोजेनियस पार्ट के साथ उसको अलग कर दें, जो रखा है पार्टिकुलर सोल्यूशन के साथ उसको अलग कर दें, जैसे कहा दोनों को अलग, अदरवाइज आपने कहीं ऊपर भी ए है नीचे भी बी नीचे भी ए है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ए को कहाँ रखें, जैसे कहा। जी सर, जी सर आ गया आपका जवाब।